नमस्कार, मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। 23 दिसंबर रविवार का दिन पूर्वांचल समाज के लिए खास दिन है, क्योंकि बदरपुर में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष धनंजय राय के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ घोषणा की जाएगी, जिसमें लगभग 700 से 1000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले तो कल रविवार का दिन बदरपुर विधानसभा के लिए बहुत खुशी का दिन है। जनता दल यू के तरफ से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय, पहला कार्यक्रम मैं अपने जीवन में बदरपुर में करने जा रहा हूं, और ये सिर्फ पूर्वांचल और बिहारी भाइयों को जोड़ने के लिए और यहां के जो भी जिस स्टेट से भी लोग आए हुए हैं सारे मेरे भाई हैं। और कल मंच से मैं डिक्लेयर करूंगा, जो पूर्वांचल ही क्यों, बिहारी ही क्यों, हम सारे भाई एक हैं। इसके अलावा कल आपको बदरपुर विधानसभा में जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई हैं आपको खुद देखने को मिलेगा, जो 700 से 1000 आदमी की गैदरिंग होगी यहाँ पे, और सारे लोग की एक ही तमन्ना है, जो दयानंद राय भैया के साथ जो ये समय हमें मिल रहा है जनता दल यू और दिल्ली प्रभारी संजय झा के साथ काम करने की, हम लोग एक मिल के एकजुट हो के और दिल्ली विधानसभा को मजबूत बनाएंगे। सारे पूर्वांचल भाई, बिहारी भाई और यहाँ के लोकल लोग, हम सब एक भाई हैं, एक साथ मिलके और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और 2020 के लिए हम कोई नया सोच लेके आएंगे और उस चीज़ को सारे भाइयों के बीच में हम रख के आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी अभी 4 दिन कुर्सी संभाले हुए नहीं हुए, और उनके से मुंह से जो निकली हुई बात, जो पूर्वांचल यूपी के लोग, बिहार के लोग आके यहाँ बैठ गए हैं, तो क्या वो मध्य प्रदेश के ही हैं? उनका जन्म यूपी में हुआ, पढ़ाई लिखाई बंगाल में हुआ, और नोएडा से लेके सारे देश में उन्होंने अपनी बिजनेस फैला रखे हैं। उनको ये शोभा नहीं दे रहा है जो हम बिहारी या पूर्वांचल को इतना, जो गलत भाषा उन्होंने यूज किया, हमें कहते हुए भी शर्म आ रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और इन्हीं पूर्वांचल और बिहारियों के कारण आज वो इस स्थान पे हैं, और उनको इस बात के लिए पूरे देश से माफ़ी मांगना पड़ेगा। और कल हम लोग अपनी बदरपुर विधानसभा में और दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा में उनकी पुतला की जलाने की कोशिश करेंगे, जलाएंगे और तब तक जलाते रहेंगे जब तक वो हम सारे पूर्वांचल और बिहारियों भाई से माफ़ी नहीं मांग लेते। जैसा कि आपने प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय जी को देखा और सुना, उनका यही कहना है कि दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली से पूर्वांचल और बिहार के लोगों को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, दिल्ली सबकी है और दिल्ली में सबका सम्मान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हुंकार 24/7 हर खबर के साथ। धन्यवाद।